आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ई मित्र की सहायता से किसी भी मोबाइल पर रिचार्ज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने ई मित्र आईडी को खोल लीजिए। खोलने के बाद में आपको जाना है सर्विसेज में, और यहाँ पे ऑप्शन होगा आपके सामने अवेल सर्विसेज, इस पे क्लिक करके यूटिलिटी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको आना है। यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं या डायरेक्ट एडवांस सर्च में जाना है आपको, और यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी के अंदर यूटिलिटी चुनना है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट के अंदर ऑक्सीजन चुनना है। तो यहाँ पे और बात ही आपको ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन डिपार्टमेंट। उसके बाद में सेलेक्ट सर्विसेज में ऑक्सीजन रिचार्ज सर्विस चुनना है। उसके बाद में ऑपरेटर, आपकी कौन से ऑपरेटर की सिम है, वोडाफोन है या जियो की है, आइडिया है, डोकोमो है, BSNL है, एयरटेल है, SL है, जो भी है आपकी जो सिम है वो यहाँ पे शो कर देगी। तो यहाँ पे मेरा अभी वोडाफोन का नंबर है, तो मैं वोडाफोन रिचार्ज करना चाहता हूँ, वोडाफोन चुन लेता हूँ। उसके बाद में रिचार्ज टाइप DTH टॉप अप करना है या टॉप अप करना है केवल, तो मैं अभी टॉप अप ही करना चाहता हूँ, टॉप अप पे क्लिक करना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर लेना। उसके बाद में जितने का रिचार्ज करवाना चाहते हो वहाँ रिचार्ज जितना अमाउंट का करना चाहते हो उतना अमाउंट लिख दीजिए, और गेट बिल डिटेल पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी ऑपरेटर की, यहाँ पे एड बिल फॉर पेमेंट पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद में बिल पे पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद में अगले वाला जिसका भी नंबर आप रिचार्ज कर रहे हो उसका नंबर टाइप कर लीजिए, अपना खुद का भी टाइप कर सकते हैं, उस पर एक मैसेज आएगा कि आपका रिचार्ज हो चुका है, और ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इसमें, और ओके कर लीजिए। सॉरी इसमें लिखा आ रहा है कृपया क्यूएस धारक अपना स्वयं का मोबाइल नंबर नहीं डालें, तो मैं इसको नंबर को हटा कर किसी और का नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे वॉलेट से करना है या कोई ATM से एग्रीगेट से कर सकते हैं, तो लेकिन अभी मैं वॉलेट से करना चाहता हूँ, तो पे वॉलेट। तो इस तरह से आपका पेमेंट रिचार्ज हो जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुल भी हो जाएगा और मोबाइल पे मैसेज भी आ जाएगा। अगर आपको इसको रसीद को डाउनलोड करके रखना है तो पिन लेजर रिसिप्ट में जाकर इसको प्रिंट आउट भी ले सकते हैं या डाउनलोड करके रख सकते हैं। ये इस तरह से आपको बताया कि कैसे मोबाइल में रिचार्ज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।